हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, मार्केट का जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था रियलमी का C2। अभी रियलमी के C2 के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स थी या जो जो कमियां थी, वो पूर्ण करने आ गया रेडमी का 8A, जिसके अंदर आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल गया। पर हम लोग इससे भी खुश नहीं है, हम लोग को और ज्यादा चाहिए। तो हम लोग अभी 7000 रुपीज के अंदर डॉट नॉच वाली डिस्प्ले चाहिए। तो चलो, डॉट नॉच वाली डिस्प्ले भी 7000 रुपीज के अंदर आ गई, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक नया स्मार्टफोन, धमाकेदार फीचर स्पेसिफिकेशन। तो ये वीडियो देखने के में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और वीडियो के एंड में मैं ओपिनियन देने वाला हूँ, तो ओपिनियन को जरूर से देख लेना, क्योंकि ओपिनियन के बारे में बाद ही आप समझ पाओगे कि ये जो फोन है, फोन लेना आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जिस महान फोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस महान फोन का नाम है इन्फिनिक्स का S5 Lite। तो इन्फिनिक्स का S5 एक अच्छा स्मार्टफोन था, उसका एक लाइट वर्जन आ चुका है जिसका नाम है इन्फिनिक्स का S5 Lite, और जिसका प्राइस है 7000 रुपीज। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले जो मेन हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि 7000 रुपीज के अंदर आपको मिला है डॉट नॉच डिस्प्ले, यानी पूरा स्क्रीन है और एक डॉट है जिसके अंदर आपको सेल्फी कैमरास देखने को मिल जाएगी। और जो स्क्रीन है वो 6.6 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले, 16000x720 पिक्सल रेजोल्यूशन, काफी अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे 4000 mAh का आप लोगों को बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। आप एकदम डायरेक्टली जंप आउट करते हैं कैमरा में, क्योंकि कैमरा में भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। कैमरा में क्या है, यहाँ पे आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेट के अंदर जो पहले कैमरा आता है वो आता है 16 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर वाला कैमरा। जो सेकंड कैमरा आता है वो आता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। और आप लोगों को पता है कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के अंदर एक QVGA कैमरा देखने को मिलता है, जो नाइट में काम करता है, नाइट फोकसिंग में काम करता है। तो बेसिकली वही वाला कैमरा है। तो यहाँ पे कैमरा में एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसका भी काम है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका काम है 4-in-1 पिक्सल टेक्नोलॉजी। इसका एक और भी नाम आप देख सकते हैं, पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी, उसको ही इन लोगों ने नया नाम दिया है 4-in-1 पिक्सल टेक्नोलॉजी। यानी 4 पिक्सल को 1 पिक्सल बना के आपको अच्छे डिटेल्स ये लोग दे देंगे 16 मेगापिक्सल के कैमरे के अंदर। बहुत अच्छी बात है। आप लोग को यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो डॉट नॉट के अंदर वो डॉट होगा वो बेसिकली सेल्फी कैमरा ही होगा। सेल्फी कैमरा के अंदर यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का F2.0 वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। आप चले आते हैं भाई स्टोरेज वेरिएंट के ऊपर। 7000 रुपीज में भी यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का 4GB RAM 64GB वाला वेरिएंट आता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा बात होने वाली है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। मोबाइल में प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे आप लोगों को रियलमी C2 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। रियलमी C2 यानी रियलमी C2 के अंदर था मीडियाटेक हीलियो का P22। यहाँ पे भी मीडियाटेक हीलियो का P22 एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल रहा है, जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की। यहाँ पे आपको Android 9.0 लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा। फिलहाल लेटेस्ट Android 10 है, पर वो भी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में अभी देखने को नहीं मिला है, तो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यहाँ पे जो कि इन्फिनिक्स का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है XOS चीता, जो कि 5.5 वर्जन में अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कुछ अपग्रेड वर्जन इन्होंने लाया है। तो बेसिकली ये है टोटल फैक्ट, टोटल एक कॉम्बिनेशन इस स्मार्टफोन का 7000 रुपीज के अंदर। अभी पार्ट आ गया है माई ओपिनियन का। भाई अगर एक डॉट नॉच डिस्प्ले वाली स्मार्टफोन, उसके साथ ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन, उसके साथ इतनी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आपको 7000 रुपीज में मिल रहा है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको 4000 mAh बैटरी भी मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच डिस्प्ले भी मिल जाती है। क्योंकि देखो, डॉट नॉच डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्ले है जो बहुत बड़े बड़े स्मार्टफोन में आते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S10e में आया था, जो कि 64000 का आता है, तो आपको ये 7000 में मिल रहा है। तो बेसिकली मुझे भी ये लग रहा है कि ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाले। अभी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताओ। मेरा खुद का ओपिनियन है, आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन अभी लीक नहीं हुआ है कि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास कंपोजिशन है कि नहीं, फोन ग्लास बैक होगा या पॉलीकार्बन होगा, इसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिले तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो भाई लोग, बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे यही बताना था, इन्फिनिक्स S5 Lite इंडिया में आ रहा है और इस नवंबर में लॉन्च करेगा। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताता रहूंगा, और उसी के साथ अगर ये स्मार्टफोन आपको अच्छा लगे, क्या लगा या नहीं लगा, सो सर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो भाई लोग, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।